नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूँ इंजन वाइब्रेशन के बारे में। कई हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी कार का जो इंजन है वो ज़्यादा वाइब्रेट होता है आइडल पोजिशन में हो चाहे कार चल रही हो। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि जो वाइब्रेशन है वो किस वजह से हो सकता है, और मैं आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाने भी वाला हूँ कि किस कंडीशन में वाइब्रेशन होता है और किस कंडीशन में वाइब्रेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी का जो इंजन है उसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अंदर चलते हैं कार के और इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो इग्निशन है उसमें मैं की लगा लेता हूँ और जो इंजन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है और अब आप जो RPM है वो देखिएगा। तो यहाँ पर टेकोमीटर में जो RPM दिखता है, जैसे ही मैं सेल्फ लूँगा तो देखिएगा आप, मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ कैमरा। तो अभी आप देखेंगे तो जो RPM है वो जीरो पे है, और जैसे ही मैं इंजन को स्टार्ट करूँगा तो देखिएगा ये 1000 से भी ऊपर चला गया, ठीक है। और अभी जैसे ही आप देख रहे होंगे आइडल पोजीशन पे जो है टेकोमीटर में RPM 1000 के करीब दिखा रहा है, 1000 ही दिखा रहा है, समझ लीजिए कि जो है 1000 RPM पे अभी हमारी कार का जो इंजन है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो थोड़ी देर इसको वार्म होने देते हैं और अभी हम बोनट कंपार्टमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारी कार का इंजन है वो कितना वाइब्रेट हो रहा है, इसमें कितना वाइब्रेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको टेकोमीटर में दिखाया कि 1000 RPM पर अभी हमारी कार का इंजन जो है वो रोटेट हो रहा है, और उस दौरान आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल माइनर सा वाइब्रेशन सभी कार में होता है, तो उतना ही आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जब ये अपने आइडल RPM पर पहुँचेगा, यानी इंजन जब गर्म हो जाएगा तो RPM डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस वजह से जो है वाइब्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगा। चूँकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो इसमें जो है अदर कार से अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे कि 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर इंजन वाली गाड़ियाँ, नॉर्मली 6 सिलेंडर वाली गाड़ियाँ तो इंडिया में बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे 4 सिलेंडर इंजन वाली गाड़ियों से तो उससे थोड़ा सा RPM जो है वो ज़्यादा ही रहता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंपनी को ही पता है, इसी वजह से ये जो आप रबड़ देख रहे हैं एयर फिल्टर असेंबली की, तो ये जो है फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इंजन जब वाइब्रेट होगा और ये यहाँ पर जो है टाइटली कसी हुई है तो जो है रबड़ टूटने का चांसेस भी होगा, इसलिए जो है ये इस तरह की रबड़ दी जाती है। तो अभी हम फिर से अंदर चल के देखते हैं और जो इंजन का आइडल RPM है उसको अभी फिर से चेक करते हैं। तो अभी जो है 1000 से थोड़ा नीचे आ चुका है, बट जो है अभी ये आइडल पोजिशन पर नहीं पहुँचा, तो हम थोड़ा इंजन को वार्म कर लेते हैं। तो मैं एक्सीलेटर पेडल प्रेस करके जो है इंजन को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ, उसके बाद जो है आपको दिखाता हूँ कि आइडल RPM पे आने के बाद हमारी कार के इंजन में और जो कार की पूरी बॉडी है उसमें कितना वाइब्रेशन आता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो डोर है उसमें भी वाइब्रेशन आपको फील हो रहा होगा हल्का हल्का। तो मैं जो है एक्सीलेटर पेडल को अभी प्रेस कर रहा हूँ, अभी जब ये आइडल पोजिशन पर आ जाएगा फिर मैं आपको जो डोर है वो दिखाऊँगा। तो आइडल RPM पर आने पे इंजन को थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि जब भी हम डे में फर्स्ट टाइम या मॉर्निंग में अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो इंजन को ठंडा रहता है, और जो कार का ECU होता है वो जो है इसको एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई करता है और जो RPM है उसको भी इंक्रीज़ करता है, जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया। और जैसे ही गर्म हो जाता है इंजन, उसके बाद जो है फ्यूल सप्लाई को नॉर्मल करके जो RPM है वो जो है डिक्रीज़ कर देता है। तो अभी जो है आपको मैं AC ऑन करके भी दिखाता हूँ। देखिए जब भी हम AC को ऑन करते हैं तो थोड़ा सा जो RPM है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने AC ऑन किया तो जो है RPM फिर से थोड़ा सा ऊपर हो गया और वाइब्रेशन जो है वो कम हो गया। तो AC चलाने पर भी जो है जो इंजन का RPM है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कुछ कार जो पहले आती थी उनका जो RPM है वो डिक्रीज़ हो जाता था, बट आजकल की जो गाड़ियां हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो कार का कंप्यूटर यानी कि जो ECU होता है उसको पता चल जाता है कि AC भी ऑन होने से जो कंप्रेसर का लोड है वो इंजन पर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा RPM को डिक्रीज़ की जगह इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको इंजन दिखाता हूँ। अभी हमारी कार का इंजन जो है वो आइडल RPM पर घूमने लगा है, क्योंकि गर्म हो चुका होगा, अभी काफ़ी टाइम हो गया, 5 मिनट करीब हो गए हैं। तो अब देखिए इसमें जो वाइब्रेशन है पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, आपको जो है कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले से ज़्यादा जो है इसमें वाइब्रेशन है, और जो मेरी कार का डोर था जब मैं खोल के रखा था तो जो है उसमें भी थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़्यादा हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो RPM है अगर वो कम हो जाएगा, इंजन का जो आइडल RPM वो कम हो जाएगा,
तो फिर जो है वाइब्रेशन थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, और जैसे ही आप एक्सेलेटर पेडल को प्रेस करेंगे तो जो वाइब्रेशन होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पर जो डोर है उसके अंदर जो कपड़ा है वो किस तरह से हिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको फिर से वोनट कंपार्टमेंट की तरफ ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि जो वाइब्रेशन है जैसे ही हम जो RPM है उसको इंक्रीज़ करेंगे किस तरह से ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं कैमरे को सेट करता हूँ, फिर मैं आपको एक बार फिर से चेक कराता हूँ कि अभी हमारी कार के इंजन में कितना वाइब्रेशन है। आप देख लीजिए मैंने कैमरा जो है सेट किया हुआ है और यहाँ पर मैं हाथ रख के दिखाता हूँ। देखिए तो मेरी जो उंगलियाँ हैं, जो अंगूठा है, वो किस तरह से हिल रहा है आप देख रहे होंगे। तो अब जो है मैं अंदर जाता हूँ केबिन के और फिर मैं आपको RPM जो है इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ एक्सेलेरेटर पेडल प्रेस करके। तो फिर आप देखिएगा कि जो है किस तरह से जो RPM बढ़ाने पे वाइब्रेशन ख़त्म होगा। अभी आप देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल जो वाइब्रेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और जैसे ही मैं जो एक्सेलेरेटर पेडल उसे रिलीज़ करूँगा तो देखिए इसमें फिर से जो है वाइब्रेशन फील होने लगा है आपको। तो जैसे ही मैंने RPM को इंक्रीज़ किया तो वाइब्रेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि कम RPM पे जो है इंजन, सभी इंजन जो है वाइब्रेट ज़्यादा होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मैंने एक्सेलेरेटर पेडल को रिलीज़ कर दिया तो फिर से जो है इंजन में वाइब्रेशन अपनी जगह पे आ गया। तो जितना RPM इंजन का कम होगा तो वाइब्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी गाड़ी के सिलेंडर कम होंगे उतना वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। और जैसे ही हम एक्सेलेरेटर पेडल को प्रेस करते हैं वैसे ही जो RPM इंक्रीज़ करने पे इंजन का वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है। और हम जब AC को स्टार्ट करते हैं तब भी जो है RPM इंक्रीज हो जाते हैं और उससे भी जो है वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो अभी आपको ये बात समझ में आई होगी कि वाइब्रेशन किस कंडीशन में कब होता है इंजन में, और फिर भी जो है आपको ऐसा लगता है कि इंजन में जो है ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है और कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ कर रहा है, तो फिर आप अपनी कार के जो इंजेक्टर हैं उनको चेक कराइए। अगर इंजेक्टर में प्रॉब्लम होगी तो इंजन में अलग ही टाइप की जो है नॉइज़ भी आती है और वाइब्रेशन भी बहुत सारा आपको इंजन में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इंजेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा होगा कोई भी सिलेंडर का, तो वो सिलेंडर जो है वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा। यानी मान लीजिए आपकी 3 सिलेंडर गाड़ी है और एक इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है तो आपकी गाड़ी जो है वो 2 सिलेंडर पर ही चल रही है, इस वजह से नॉइज़ और वाइब्रेशन आपको ज़्यादा फील होगा। तो अभी मैं आपको डोर भी दिखा देता हूँ। अभी हमारी कार का जो इंजन का RPM है वो चेक कराता हूँ सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर जो RPM मेरी कार का अभी आइडल पोजीशन में वो करीब 700 के करीब है, और जो डोर है देखिए किस तरह से हिल रहा है ओपन होने पे। और जैसे ही मैं एक्सेलेरेटर पेडल को प्रेस करूँगा तो देखिए जो वाइब्रेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि जो इंजन है वो बैलेंस हो गया जैसे ही हमने एक्सेलेरेटर को प्रेस किया, और जैसे ही हमने रिलीज़ किया तो RPM कम हुआ तो जो है वाइब्रेशन हुआ। तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसा सभी कार में होता है। तो अभी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इंजन RPM कम होने पे इंजन के अंदर के जितने पार्ट्स घूमते हैं इस वजह से जो है इंजन बैलेंस नहीं हो पाता, और जैसे ही हम AC को ऑन करते हैं या RPM को एक्सेलेरेटर पेडल प्रेस करके इंक्रीज़ करते हैं तो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया जितने कम सिलेंडर इंजन में होंगे उतना वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद।